जय जोहार। खबर छत्तीसा मा मैं गरिमा आप मन के स्वागत करत हूँ। आजादी के 7 दशक बाद घलो पुल और सड़क ले वंचित कोसम डीह गांव के बदहाली के मुद्दा ल हमन 12 जून के खबर छत्तीसा में उठाए रहन, जेकर असर सरकारी नुमाइंदा ऊपर पड़ीस और सुखद परिणाम सामने आई। जोन पुल हा पिछू 7 दशक ले मंजूरी नहीं मिलत रिसे तेकर शिलान्यास होगी। आप मन ल बता दन की कोसमडी रायगढ़ जिला के बरमकेला ब्लॉक के एक छोटे से गांव कोतरा के आश्रित गांव है, जेकर कारण पंचायत ले संबंधित काम बर पंचायत मुख्यालय कोतरा जाए ला पड़थे और दोनों गांव के बीच में पड़थे एक ठो नाला। गर्मी के दिन में पानी कम होए में दोनों गांव के बीच सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासला होते, फिर जब बरसात के मौसम आते तब बीच में पानी बहुत ज्यादा भर जाते और 15 किलोमीटर के लंबा सफर तय करे बा ग्रामीण मन लागते। एकरे खातिर पुल और सड़क के जो मांग रिसो लंबा समय ले चलत रही, लेकिन कोई भी सुनवाई यहाँ नहीं होत रही से। जिला न्यूज 36 के माध्यम ले खबर में चला के ग्रामीण मन के जब आवाज बुलंद करे गई तो कई भी बछर ले उपेक्षित ये गांव कोसमडी के सुधी लिए गई। पुल निर्माण कार्य भूमि पूजन विधायक उत्तरी जांगड़े द्वारा करे गई। पुलिया निर्माण के आज भूमि पूजन यहाँ से धानी घाटी 11 करोड़ के भूमि पूजन आज आज हमारे सभी पदाधिकारीगण के आदरणीय विधायक उत्तरी जांगड़े जी के गंभीर प्रयास से हुआ है और एक छोटे से पंचायत के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च करना ये इनके प्यार को दिखाता है और इनकी आत्मीयता को दिखाता है। और आज के दिन सकरतुंगा में भी एक बृहद पुल का शिलान्यास किए हैं और आज के दिन में दो पुल का जो सौगात दे रहे हैं ये हमारे सारंगढ़ विधानसभा के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। सारंगढ़ के माननीय विधायक उत्तरी जांगड़े जी के द्वारा पुलिया के भूमि पूजन किए गई से कोसमडीह से कोतरा के बीच किंकारी नाला में जेकर लागत लगभग 5.5 करोड़ के है। विधायक जी की जनता के प्रति कितना सहानुभूति है ये दिखे पर मिली से कि यहाँ के जनता ला 10 किलोमीटर की दूरी तय करके राशन ले जाए पर पड़त रही, जोन ला मात्र आधा किलोमीटर की दूरी में राशन उपलब्ध हो ही ये बात ला अवगत कराएगी विधायक जी तत्काल स्वीकृत।